नमस्कार साथियों, यदि आप लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराना चाहते हैं और आपका आगमन लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए होता है तो आपका स्वागत है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको रेलवे स्टेशन से बाहर आना पड़ेगा। चूँकि लखनऊ का रेलवे स्टेशन रोड के बाएं हाथ पर स्थित है, इसलिए आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पहुँचने के लिए रोड को पार करके उस पार जो साझा करने वाली है या शेयर टैक्सी या बैटरी रिक्शा है उनसे संपर्क करना पड़ेगा। यदि आप बस यान किसी साधन से भी आते हैं तो आपको लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से इस रोड से बाहर दाहिने हाथ घूम के आपको मेन रोड पे जाना पड़ेगा और तत्पश्चात आपको रोड के उस पार जाना पड़ेगा और जहाँ पे आपको शेयर करने वाली टैक्सियाँ या बैटरी रिक्शे मिल जाएंगे जो आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा देंगे। लखनऊ मेडिकल कॉलेज जो 9 बजे से ओपन हो जाता है और लगभग OPD या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट 2 बजे तक खुला रहता है। इसके लिए आपको समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और आपको 9 बजे से पहले जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देखिए सामने ये रोड जा रही है जहाँ चारबाग लिखा हुआ है, आपको इस मेन रोड को पार करके उस साइड जाना पड़ेगा जहाँ से आपको शेयर टैक्सी या बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज सीधे पहुंचा देगा। चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर आके आपको सामने बड़े फुटपाथ से उस साइड जाना पड़ेगा और अपने बाएं हाथ आगे बढ़ते हुए सामने दिख रही सफ़ेद रंग की मस्जिद के नीचे जाके आपको किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के लिए साधन मिल जाएंगे। आके आपको इस सफ़ेद रंग की मस्जिद और सामने बने पुलिस बूथ जिस पे पांदरीबा नाका लिखा हुआ है, इसी दोनों बिल्डिंग्स के बीच में से आपको सीधे नाका चौराहे से होते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए जाना है। सामने रोड पार करते ही आपको बैटरी रिक्शे और शेयर टैक्सी दिखेंगी। सामने लगे बैटरी रिक्शा आपको मात्र 15 रुपये में शौक मेडिकल कॉलेज पहुँचा देंगे। यहाँ से सीधा रास्ता आपको शौक मेडिकल कॉलेज के लिए ले जाता है। इसके अपोजिट साइड में आपको रेलवे स्टेशन दिखाई देगा, ऊपर मेट्रो का पुल और ये कॉर्नर पे मस्जिद, नहीं से आपको चौक मेडिकल कॉलेज के लिए साधन मिल जाएगा। इसी मस्जिद के नीचे से आपको चौक मेडिकल के लिए मात्र 15 रुपये में सवारी मिल जाएगी जो आपको सीधे मेडिकल कॉलेज के गेट पे छोड़ देगी। यहाँ से आपको सीधे मेडिकल कॉलेज के लिए जाना है। यहाँ खड़ी बैटरी रिक्शा आपको मात्र 15 रुपये में शौक मेडिकल कॉलेज लेते जाएंगे। इसी रोड पे अमीनाबाद रकाबगंज भी पड़ता है और यदि बैटरी रिक्शा ले रो अमीनाबाद रकाबगंज या चौक बोलें तो भी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारे बैटरी रिक्शा वाले आपको चौक मेडिकल कॉलेज लेके जाएंगे। चारबाग रेलवे स्टेशन के आगे आने के बाद आपको सीधी रोड के बाद ये ऊपर से ओवरब्रिज जाता हुआ दिखाई देगा। इस ओवरब्रिज से आपको सीधे मेडिकल कॉलेज के लिए जाना होगा। ये नाका चौराहा कहलाता है लखनऊ का। इस फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए आपको रोड के उस पार जाना है। सीधी रोड आपको चौक मेडिकल कॉलेज के लिए लेके जाएगी। ये रोड बशीरतगंज नाका हिंडोला कहराती है जो आपको चौक मेडिकल कॉलेज लेके जाएगी। रास्ते में बाएं हाथ गुरु गोविंद सिंह द्वार पड़ेगा, यहाँ से आपको सीधे जाना है। सीधा जाता हुआ रास्ता ये बशीरतगंज या रानीगंज कहलाता है। दाहिने हाथ में आपको कच्ची भुयन माता देवी मंदिर दिखाई देगा। सीधा जाता है रास्ता दुगावा, चारबाग से सीधे मेडिकल कॉलेज जाता हुआ रास्ता सुभाष मार्ग भी कहलाता है।
रोड के दोनों ओर आपको अनाज की होलसेल मंडी मिलती है, जहां आपको होलसेल रेट पे राशन मिल जाते हैं। चारबाग से आता हुआ ये रास्ता आखिर में पांडेगंज का एरिया कहलाता है। पांडेगंज पार करते ही आपको एक दूसरी रोड मिलेगी, जहां से आपको बाएं हाथ मुड़ना पड़ेगा। बाएं हाथ मुड़ के एक रास्ता सीधे को जाता है और यहीं से आपको दाहिने हाथ मुड़ना है, जो आपको मेडिकल कॉलेज ले जाएगा। रकाबगंज का ये चौराहा, यहाँ सीधे डिवाइडर के दाहिने हाथ से आपको मेडिकल कॉलेज की ओर जाना पड़ेगा। रकाबगंज चौराहे से बाएं मुड़ते ही आपको ये पद्म श्री डॉक्टर योगेश प्रवीण रकाबगंज चौराहा दिखेगा। सामने दिखते डिवाइडर से, जहाँ से ये सफ़ेद रंग के ठेले मुड़ रहे हैं, आपको भी इसी रस्ते मुड़ के चौक मेडिकल कॉलेज के लिए जाना होगा। सब्जी मंडी होता हुआ ये रास्ता आपको चौक मेडिकल कॉलेज ले जाएगा। रकाबगंज की ये मसाला मंडी, आपके दाहिने ओर रेलवे ट्रैक चलता रहेगा, यहाँ से रास्ता सीधे आपको मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाएगा। रकाबगंज से आगे आने पे आपको दाहिने हाथ पे भी एक चौराहा दिखाई देगा, मगर आपको सीधे जाना है, जो आपको चौक मेडिकल कॉलेज या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। और यदि आप हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं और आपको हृदय संबंधित विभाग में दिखाना है, तो आपको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग में दिखाना पड़ेगा, जिसको यहाँ लखनऊ में लारी के नाम से जाना जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको ये रास्ता सीधे मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाएगा। दाहिने हाथ के एक मकान के ऊपर आपको हेलीकॉप्टर का या हवाई जहाज़ का आकार बना दिखाई देगा। रकाबगंज से आगे आने पे आपको सीधे ये पानी की टंकी दिखाई देगी, इसकी घुमावदार सीढ़ियाँ। इसके पश्चात सीधे आगे बढ़ते जाएंगे और आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लगभग पहुंचने वाले ही हैं। इस पानी की टंकी से मुड़ते ही आपको सामने एक चौराहा दिख मिलेगा, जिसको चौक चौराहा कहा जाता है। इसी चौक चौराहे के जस्ट सामने लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या लखनऊ का मेडिकल कॉलेज स्थित है। बाएं हाथ पे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये लखनऊ मेडिकल कॉलेज के क्वीन मैरी विभाग की बिल्डिंग है, जहाँ पे डिलीवरी कराई जाती है। चारबाग रकाबगंज से होते हुए बैटरी रिक्शा आपको इस गोल चौराहे से चक्कर लेके दाहिने हाथ पे ले जाएगा, जहाँ से आपको सामने ही आपको छत्रपति शाहू जी महाराज की मूर्ति दिखाई देगी और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का मेन गेट दिखाई देगा। सामने छत्रपति शाहू जी महाराज की मूर्ति और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का गेट नंबर 2 से आपको एंट्री लेनी है।